हेलो मेरी डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ एक अलग ही चिकन रेसिपी के साथ जो मैं लंच में प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैं चिकन लिया था जो मुझे लगा काफ़ी बड़े थे पीसेस, तो इसलिए इनको मैं थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही थी। मैं ऐसे ही प्रिफर करती हूँ कि चिकन के जो पीसेस हैं ना वो छोटे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से मैरिनेट हो जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो इनको छोटे पीसेस में कट करने के बाद यहाँ पर मैं इनको वॉश कर रही थी अच्छे से, और अच्छे से वॉश करने के बाद अब इनको करना था मैरिनेट। तो इसके लिए इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद इसमें मैंने डाली हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसमें मैंने डाला लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और स्पाइसी वाला लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करूँगी इस रेसिपी में। और फिर मैंने इसमें डाला नींबू का रस, और अब ये मैरिनेट जो है ना वो पूरी तरीके से रेडी था। तो अब इन सारे चिकन के जो पीसेस हैं ना इनको इस मसाले में अच्छे से कोट करना है, ताकि हर एक जो चिकन का पीस है ना वो अच्छे से कोट हो जाए। तो इनको मैंने अच्छे से मैरिनेट यहाँ पे लगा के साइड में रख दिया, और फिर मैं लग गई बाकी की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने ली थी ढेर सारी लहसुन, और लहसुन को छीलने के बाद मैंने इस खलबत्ती में डाल के ना इसको कूटना था, क्योंकि मुझे आज ऐसी दरदरा क्रश की हुई लहसुन जो है ना वो चाहिए थी रेसिपी में। और उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा अदरक, और अदरक को भी मैंने अच्छे से पील किया, इसको मैंने वॉश करके लिया था, फिर मैंने इसको पील किया। और अब इसके छोटे पीसेस बना के मैं इसी खलबत्ते में डालूँगी, और इस लहसुन के साथ ना इनको ऐसे ही क्रश करके लूँगी, क्योंकि क्रश जो जिंजर गार्लिक रहता है ना उसका टेस्ट और फ्लेवर कुछ अलग होता है। और जो हम पेस्ट यूज़ करते हैं या ग्रेट करके यूज़ करते हैं ना, उस अदरक लहसुन का भी टेस्ट अलग हो जाता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना। और फिर इनको मैंने क्रश करके साइड में रख दिया, और अब ये जो प्याज है इनको यहाँ पे मैं छील रही थी, क्योंकि आज ना मैं कुछ अलग ही रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्याज को छील के लेने के बाद ना इनको मैं ऐसे गैस पे रख के ना जो है वो रोस्ट करने वाली थी इनको, जब तक अच्छे से बाहर से जब तक ये काले ना हो जाए ना तब तक इनको रोस्ट करना था। तो इन सारे प्याज को मैंने ऐसे गैस पे रख के ना रोस्ट करके लिया। और मेरे नानी के पास ना एक छोटा सा एक वो क्या बोलते हैं शेगड़ी बोलते हैं हम, या चूल्हा जो होता था ना सीमेंट का वो था, और मेरी नानी ना उसमें ये प्याज को ना रोस्ट करती थी। उसके बाद जब तक प्याज रोस्ट हो रहे थे ना मैंने टमाटर को भी यहाँ पे कट करके लिया था, और टमाटर को कट करने के बाद इसको मैंने डाला इस ग्राइंडिंग जार में। और उसके बाद प्याज रोस्ट हो चुके थे तो मैंने इनको निकाल के रख दिया, ताकि थोड़े से जो है ना वो ठंडे हो जाए। और तब तक ना यहाँ पे मैंने जो मेरी आयन की कढ़ाई थी उसको यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया था, और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट, और इस ग्रेटेड कोकोनट को ना ऐसे ही बस रोस्ट करके लेना था जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का जब तक हो न जाए। तो जब तक ये रोस्ट हो रहा था ना यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ली थी, फिर मैंने मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए तो इसलिए मैंने एक हरी मिर्च ली और उसको कट करके इस जार में डाला। उसके साथ ही फ्रेश कोरिएंडर जो है ना धनिया पत्ता उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके इस ग्राइंडिंग जार में डाला। अभी ये प्याज जो है वो काफ़ी ठंडे हो चुके थे, तो अब इनका जो बाहर का जो ये जला हुआ छिलका है ना इनको निकालना है ऐसे जैसे मैं निकाल रही हूँ, और ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इनको ऐसे मैं एक कट लगा के ना इनको भी मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी, ताकि इनको भी मैं ग्राइंड कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं अंदर से, हाथ से भी आप कर सकते हैं। और अब ये जो नारियल है ना ये काफ़ी ब्राउन कलर आ गया था इसको, तो अभी इसको ना मुझे ट्रांसफ़र करना था ग्राइंडिंग जार में इन सारे चीज़ों के साथ। तो अभी मैं यही कर रही हूँ यहाँ पर। और अब इन सारी चीज़ों में ना डालना था थोड़ा सा पानी, और बिल्कुल थोड़ा पानी डाल के ना इन सारी चीज़ों को एक फाइन पेस्ट में जो है वो ग्राइंड करके लेना था।
यहाँ पे मैंने ग्राइंड करके लिया था और अब चलते हैं इसको कुक करने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया था तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है ना, इसमें डालनी है ये अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखी हुई थी। और इस अदरक और लहसुन को ना तब तक फ्राई करके लेना है जब तक इसका जो एक रॉ फ्लेवर होता है वो निकल जाए और हल्का सा जो है ना वो ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। हल्का सा, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, लेकिन हल्का सा एक ब्राउन कलर जो है ना, एक कोटिंग जो है वो इस अदरक लहसुन में आनी है। और जैसे ही ये कोटिंग आ जाती है ना, इसमें डालना है ये मैरिनेटेड चिकन। तो यहाँ चिकन में तो हमने ऑलरेडी जो है वो हल्दी और लाल मिर्च ये सारी चीज़ें लगा ली हैं, तो मैं फिर से इस ग्रेवी में ये नहीं डालूँगी। और इस चिकन को ना इस लहसुन के साथ ना बस ऐसे कुछ देर के लिए फ्राई करना है, और जैसे ही ये हल्का हल्का कलर जो है ना चिकन का चेंज होने लगेगा, इसमें ये जो हमने पेस्ट ग्राइंड करके रखी थी ना, ये बस इसमें डालनी है। और ये पेस्ट जो डालने के बाद ना, बस एक हल्के से मिक्स करना है और फिर इसमें डालना है गरम मसाला। और ये बिल्कुल आपका चॉइस है कि आपको कितना चाहिए, तो आपके स्पाइसीनेस के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और फिर मैंने इसमें डाला ये गरम मसाला, फिर इसको देना है एक अच्छे से मिक्स। इसका जो नमक है वो एक बार टेस्ट करना है, और फिर इसको ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे जब तक ये चिकन गल जाता है ना, तब तक इसको पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से जो है ना वो गल चुका था, और ये मेरा जो चिकन है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लग रहा था। और हमने इस चिकन को ना लंच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो इस चिकन को अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुका है। आप ट्राई करके देख रहे हैं इस चिकन की रेसिपी को। उसके बाद यहाँ पे हमने किया हमारा लंच, और आज हम ना जल्दी जल्दी लंच कर रहे थे क्योंकि आज कुछ स्पेशल था, और वो था हमें आज रोशर को जो है ना वो पेट सैलून में लेके जाना था उसकी फर्स्ट ग्रूमिंग के लिए। फर्स्ट ग्रूमिंग जो है वो हमने कर लिया है यहाँ पे आके, और अभी अंदर रोशन को ग्रूम किया जा रहा है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब जब रोशर 4.5 मंथ्स का हो चुका है, तो उसके डॉक्टर ने अभी हमें कहा कि हम उसको बाहर स्पा में ले जा सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पे स्पा में लाए थे ताकि उसको एक अच्छे से ग्रूम कर सके। उसके जो पॉज के बाल है ना वो भी काफ़ी लंबे हो गए थे, और उसे एक अच्छे से जो है स्पा दे दिया। तो उसके बाद रोशर एक ना बिल्कुल एक कॉटन फरी बॉल की तरह लगने लगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे मैं करती हूँ एंड, और बहुत ही जल्द ऐसे ही सिंपल व्लॉग के साथ फिर से आपसे मिलने आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू।